तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी मेडिसिन्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने आती है यहाँ पर एंटीमोनियम क्रूटम, एंटीमोनियम टाटिकम, एपिस मेलिफिका एंड एपोसाइनम। दिस आर फोर रेमेडीज जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज मैंने एक नया फॉर्मेट रखा है आप लोगों के सामने डिस्कस करने का। आई होप इट इज मोर Easy to understand the medicines, okay? सबसे पहले बात आती है एंटीमोनियम क्रूडम के कॉमन नेम की। इसका कॉमन नेम है सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। एंटीमनी का फॉर्मूला क्या होता है? SbS3। कहते हैं सल्फाइड है ना, तो इससे आ जाएगा सल्फर, और एंटीमनी की वजह से ये Sb। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होता है? फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट। सबसे पहली चीज देखने को मिली है कि इंक्लाइन टू ग्रो फैट, सेम एज इन दी कैल्केरिया। आपने कैल्केरिया में पढ़ा होगा कि जो पेशेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, व्हाट इज एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ? या तो चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं या फिर सीधे जो ओल्ड पर्सन हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, ओल्ड पीपल विद अ मॉर्निंग डायरिया सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड और अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, पल्स हार्ड एंड रैपिड। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज मेंटल। मेंटल जनरल उन्होंने बोला है चाइल्ड इज फ्रेटफुल, पीविश, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट। उसको ये अच्छा नहीं लग रहा कि कोई उसको देखे या फिर कोई उसे टच भी करे। कि डज नॉट विश टू स्पोक और स्पोकन टू, ना तो उसे ये पसंद है कि वो किसी से बोले और ना ही वो चाहता है कि कोई उससे बोले। ये दोनों ही चीजें उसके अंदर देखने को मिलती है। अब बताते हैं सल्की का मतलब क्या है। तो सल्की इज लाइक उदास, ऐसे उदास सा, गूमी सा, आलसी, सुस्त, उसको हम कहते हैं सल्की। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं डज नॉट विश और स्पोकन टू के साथ एंटम टाट, आयोडियम और सिलेशिया के साथ। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा। या बहुत सिंपल सिम्टम हो गए। नेक्स्ट सैडनेस तो है, एज आई टोल्ड यू इन द सल्की पॉइंट, ग्रेट सैडनेस विद वीपिंग। सैडनेस है और उसमें क्या है, वीपिंग। लाइफ है इज अ लोदिंग लाइफ। लोदिंग लाइफ मींस ऐसा लगता है जैसे लाइफ का कोई बोझ हो चुकी है उसके ऊपर, तो लोदिंग लाइफ। एंशियस लैक्रिमोस मूड, लैक्रिमोस मतलब क्या, उदास रहना। द स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट्स हर, छोटी छोटी सी चीजों से भी उसको फर्क पड़ रहा है। जैसे हमने पहले पढ़ा था यहाँ पर ये वाली लाइन, एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, वही थोड़ी सी सेम चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि स्लाइटेस्ट थिंग्स अफेक्ट्स हर लाइक इन अ पल्स डिला। अब्जेक्ट डिस्पेयर, बहुत ज्यादा निराशा है। सुसाइड बाय ड्राउनिंग, सुसाइड कैसे करने की सोचेगा, बाय ड्राउनिंग। इररेस्टिबल डिजायर टू टॉक इन अ राइम्स और अ रिपीट वर्सेस। इररेस्टिबल डिजायर मतलब कि जो वो बातें कर रहा है तो ही विल टॉक इन अ राइम्स, राइम में बातें करता है कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे कविता वविता सुनाते हुए भूल गए। ठीक है, इस तरीके से। सेंटिमेंटल मूड इन द मूनलाइट स्पेशली एक्सटेटिक लव, बैड इफेक्ट्स ऑफ दिस डिसपॉइंटेड अफेक्शन। ठीक है, अगर डिसपॉइंटेड हो जाता है तो उसकी वजह से उसके बैड इफेक्ट्स आते हैं, डिसअपॉइंटेड लव के बैड इफेक्शन आते हैं। सेम देखा जाता है इन द एरिया फोर्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको सब बेसिक बेसिक चीजें बताई क्या क्या दिया हुआ है। एल्केरिया फॉस में जो आप चेक करोगे, एक्चुअली आई चेक इट राइट नाउ, और इसमें भी सेम वही चीज दी हुई है एल्केरिया फॉस में भी, कि एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीक, इसमें देखा गया है एलिमेंट्स From grief or disappointed love, इसमें ऑरम इग्निशिया भी दी हुई है, इसमें ऑरम एंड इग्निशिया। तो इसमें आपने ऑरम इग्निशिया दोनों को पहले भी पढ़ा होगा, सो ऑरम और इग्निशिया में भी ऐसा पॉइंट है। आगे हम पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द फिजिकल जर्नल। फिजिकल जर्नल्स क्या होते हैं, हमने मेंटल जर्नल पढ़ी है, बात आती है फिजिकल जर्नल्स की। सो सेंसिटिव टू द कोल्ड, कोल्ड के लिए सेंसिटिव है। एग्रवेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड,
ऑब्वियसली सेंसिटिव है कोल्ड से, तो क्या होगा, एग्रवेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड, लॉन्गिंग फॉर एसिड एंड पिकल्स. ये चीज आपको याद रखनी है कि किस चीज की उसको क्रेविंग है, डिजायर है, क्या चीज चाहता है. तो यहाँ पर देखा जाता है, जो कि बहुत ही पिक्यूलियर और इम्पोर्टेंट है, ऐसा हर एक मेडिसिन के अंदर नहीं है, तो आप याद रख सकते हो, लॉन्गिंग फॉर एसिड एंड पिकल्स. नेक्स्ट है, कैन नॉट बियर द हीट ऑफ अ सन. दोनों चीजें देख सकते हो, ना तो ठंड ज्यादा बर्दाश्त है और ना ही यहाँ पर देखा जाता है कि कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन. हीट ऑफ सन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता. वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन. अगर ज्यादा सन में रहते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम है. सो वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन एज इन लेकेसिस एंड लेट्रम्यूट. तो लेट्रम्यूट में आप नॉर्मली एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हो कि जब सनराइज होता है और सनसेट होता है उतने बीच में हेडेक है. तो वह बात आ गई कुछ रिलेटेड विद द सन, यहाँ पर हम इसे कंपेयर कर सकते हैं. एग्रवेशन फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर. फायर के पास बैठे हैं या फायर के पास कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा पेशेंट किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा है जिसके फायर का काम होता है, तो उसकी वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यू कैन थिंक अबाउट दिस मेडिसिन. एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर, एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत दिख रही है, दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न. नेक्स्ट, व्हेन सिम्टम्स रीअपीयर दे चेंज लोकेलिटी और गो फ्रॉम साइड ऑफ द बॉडी टू द अदर. तो आपने इसमें देखा, अभी हमने कम से कम तीन से चार सिम्टम बता सकती हूँ जो कि पर्टिकुलरली रिलेटेड है विद द पल्स एडेला. ठीक है, सेम यहाँ पर आपने पर्स्टला में पढ़ा होगा, शिफ्टिंग होता है, बल्कि उसमें तो कहा जाता है रैपिडली शिफ्टिंग पेन. और हमने इसमें क्या पढ़ा कि छोटी छोटी चीजों पे भी रोना आ रहा है, छोटी छोटी चीजों को अफेक्ट कर रही है, जिससे ये पस्त लाने होता है. एंड हमने क्या पढ़ा, वीपिंग. वीपिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द पल्स एडेला. तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट आता है एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग. कोल्ड बाथिंग पसंद नहीं है, एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग. ऐसा होता है ना, मोस्टली जब हम पेशेंट्स फेसिंग करते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उससे हमेशा कोई ऐसी चीज पूछना चाहते हैं उसकी क्रेविंग या उसकी एवर्जन, उसकी डिजायर में, जो कि खाने से रिलेटेड हो. मैंने ऐसा बहुत बार नोटिस किया है. बट आपको ध्यान क्या रखना है, एवर्जन और चीजों से ब्यूटिफुल, जैसे कि आपने पढ़ा है एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग है ना, तो या फिर एवर्जन टू टॉक. तो इस तरीके से आप ये भी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, तो इट will helpful for everyone और patient भी उस चीज को अच्छे से बता सकेगा. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, child cries when washed or bathed with a cold water. तो बच्चा रोता है अगर उसको धोते हैं, उसको नहलाते हैं ठंडे पानी से. कोल्ड बाथिंग कॉज वॉयलेंट हेडेक. और कोल्ड बाथिंग से क्या है, वॉयलेंट हेडेक शुरू हो जाता है, causes suppressed menses. इससे मेंसेस सप्रेस हो जाते हैं. यही सेम चीज आपने कहीं ना कहीं पल्स ला में पढ़ी होगी. पल्स में हम क्या लाइन पढ़ते हैं, एक बार मैं आपको बिल्कुल एलेंस की नोट में खोल के दिखाती हूँ. उसमें भी कुछ ऐसा ही सिम्टम दिया हुआ है, I'm telling you. मुझे भी मिल नहीं रहा, बट आई थिंक इसी में ही दिया हुआ है कि मेंसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं. अगर फीट जो है, फीट वेट सप्रेस्ड मेंसेस हो जाते हैं इसकी वजह से. नाउ नेक्स्ट, कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर. Compare with the rust rocks. Now next हम बात करेंगे about the head symptom. Head symptom में आता है headache. तो अभी हमने पढ़ा headache कब होता है, जब पानी cold bathing होता है, तो cold bathing में नहाने की वजह से headache हो जाता है. So cold bathing में नहाने में हम एक river bathing भी रख सकते हैं, क्योंकि river का पानी तो obviously ठंडा होगा, गर्म करके तो हम use करेंगे नहीं. So headache after river bathing from taking cold, cold ठंडी चीजें लेने से क्या हो जाता है, headache हो जाता है. एल्कोहोलिक ड्रिंक्स लेने हेडेक हो रहा है. एंड डिरेंज डाइजेशन, एसिड्स जैसे कि फैट, फ्रूट एंड सप्रेस्ड इरेक्शन, इन सब की वजह से क्या होता है, हेडेक. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द थ्रॉट. थ्रॉट में क्या देखा गया है, म्यूकस इन अ लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम पोस्टीरियर नेरस बाय हॉकिंग. नेक्स्ट है,
gastrointestinal system. Gastric complaints from overeating. अब मैं आपको लास्ट में इसकी एक स्टोरी सुनाऊंगी एंड उस स्टोरी के थ्रू आपको मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स याद हो जाएंगे, बट अभी के लिए आप एक बार क्लियरली ऐसे पढ़ लो, बट मैं फिर आपको एक स्टोरी बताऊंगी इसकी, मैंने खुद के याद करने के लिए बना के रखी है जिससे कि एटलीस्ट मुझे कुछ मेडिसिन अच्छे से याद रहे। तो यहाँ गैस्ट्रिक कंप्लेंट में दिया हुआ है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, स्टमक वीक है, डाइजेशन इजीली डिस्टर्ब, अ थिक मिल्की व्हाइट कोटिंग ऑन द टंग। टंग कैसी है? थिक मिल्की व्हाइट कोटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटिम टार्ट और एंटिम ट्रूट दोनों की ही टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि मिल्की व्हाइट कोटिंग किसकी है? एंटिम ट्रूट की, which is the red strand of the remedy. Already I told you, red strand का मतलब है कुछ चीज़ बिल्कुल peculiar है. Very subject to canker sores in the mouth. और मुंह में छाले हो जाना, तो obviously बोला जाता है कि अगर stomach weak है, digestion सही से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? मुंह में छाले हो जाएंगे. As compared in the argentum nitricum and with sulfur. Gastric and intestinal affections from bread, pastry, acid, especially vinegar, sour or bad wine after cold bathing, overheating and hot weather. So gastric and intestinal affections किस वजह से हैं? Bread खाने से. तो आपको याद होगा bread से ulcer को भी problem है, पेस्ट्री वगैरह से. तो हम काफी चीजें यहाँ पर पर्सला के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं और ये सब आपके कंपैरिजन आपके खुद के दिमाग में आने चाहिए, तब आप easily understand कर पाओगे चीजों को. तो gastric and intestinal affection from bread and pastry, acid especially vinegar, sour or bad wine after cold bathing or overheating hot weather, constant discharge of flatus up and down for years, batching testing of intestine, mucus from anus, aqueous, oozing, staining yellow, mucus piles. तो इसके piles कैसे हैं? Mucus, जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा, piles में एक होते हैं bleeding piles, तो इसमें कैसे हैं? Mucus piles है. Next आता है respiratory system. Respiratory system में दिया हुआ है loss of voice from being overheated. अगर overheated हो जाता है तो उसके वजह से क्या है? Loss of voice. तो basically इसको ना तो बहुत ज्यादा cold वेदर पसंद आएगा ना ही हॉट वेदर, क्योंकि दोनों में ही इसके प्रॉब्लम्स आती हैं. और हमने एक और चीज का देखी थी इसमें, इसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ये दोनों चीजें बिल्कुल अल्टरनेटिवली रहती हैं क्या. और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि इसका जो पेन है वो बहुत जल्दी शिफ्ट होता रहता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट दी एक्सट्रीमिटीज. एक्सट्रीमिटीज में क्या है? यहाँ पर आपको देखो कॉर्न्स मिल जाते हैं. कॉर्न की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये. लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स ऑन सोल्स ऑफ फीट कंपेयर विद दी रेनन्कुलस बल्बोसस, वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग, जब चल रहे हैं तो और ज्यादा सेंसिटिव है, स्पेशली ऑन दी स्टोन पेवमेंट्स. नॉस्ट्रल्स एंड लेबाइल कवर सोर क्रैक एंड क्रस्टी. नेक्स्ट अबाउट द स्किन, सो स्किन में देखा जाता है एबनॉर्मल ग्रोथ. जैसा कि हमने कॉर्न में पढ़ा, तो कॉर्न क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ही तो है. तो यहाँ पर हम वही चीज देख रहे हैं, डिस्पोजिशन टू द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन. फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, क्रश नेल्स ग्रो इन अ स्प्लिट्स लाइक अ वॉर्ट्स विथ हॉर्नी स्पॉट्स. नेक्स्ट अबाउट दी मोडालिटीज. मोडालिटीज में हमें क्या देखने को मिलेगा? आपको सोचो एग्रवेशन आफ्टर ईटिंग. आफ्टर ईटिंग क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसके मुंह में ब्लैचिंग में इंजेस्टा आ जाता है, तो आफ्टर ईटिंग एग्रवेशन हो जाएगा. कोल्ड बाथ से के बाद हमने क्या पढ़ा था कि उसको हेडेक हो जाता है, तो कोल्ड बाथिंग नहीं प्रॉब्लम होगी. ठीक है, एसिड और सारबाइन में हमने फिर से गैस्ट्रिक से पढ़ा था कि उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, ब्रेड डाइजेस्ट नहीं होती, पेस्ट डाइजेस्ट नहीं होती है आफ्टर हीट ऑफ सन ऑफ और फायर. इससे भी हमने पढ़ा है कि क्या क्या परेशानियां होती हैं. एंड एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड पसंद नहीं है और हीट, मतलब दोनों ही चीजों में इसको परेशानी है. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी एमोलिएशन. तो एमोलिएशन में आपको फिर से एक पल्स रिला का सिम्टम मिल गया. पल्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर, दैट इज द इन द ओपन एयर ड्यूरिंग रेस्ट एंड आफ्टर अ वार्म बाथ. ठीक है, क्योंकि ठंडे पानी से नहा नहीं सकता, एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग है. आपने पढ़ा है इसमें एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग. तो यहां पर आपको याद रहेगा कि वार्म बाथ से उसको आराम मिलता है.
complementary to sequela, similar to bryonia if we get lycopodium pulse in a guest complaint. And I already I told you that pulse classes काफी symptom मिल रहे हैं इसके लिए में follows well after antimicrobial pulse mercury and sulfur. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी एंटीमोनियम टार्टिकम के बारे में. इसका नाम क्या है? दैट इज टार्टर इमिटिक. कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? हमने उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ा था एंटीमोनियम क्रूडम का, कि फैट है, ठीक है, फैटी डिस्पोजिशन टू द फैट. और हमने ये पढ़ा था कि एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ के साथ, ठीक है. यहाँ पर पर्सन कैसा है? हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेविनल. हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? समवॉट रिलेटेड विद द वॉटर. तो आप आगे चीजें जो पढ़ोगे ना, कहीं ना कहीं आपको वॉटर मिलेगी, वो आपको पूरा याद करवा के चलेगी. और नेक्स्ट बात आती है मेंटल जनरल. तो मेंटल जनरल फिर ये बच्चे की बात कर रहे हैं. चाइल्ड क्लिंग्स टू दोस अराउंड वांट्स टू बी कैरी. बच्चे को कैरी करना पसंद है. जैसे कि जब आप पढ़ोगे कैमोमिला, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हो विद द कैमोमिला. तो कैमोमिला में क्या देखने को मिलता है? कैमोमिला में बच्चे को गोदी में पसंद है, स्पेशली शोल्डर पे जब मुस्कुल देता है, ठीक है, उसको कैरी करना पसंद है. कैरी करते ही शांत हो जाएगा. कैरी और ऑन शोल्डर, ये चीज इंपॉर्टेंट है. कहाँ पर कैरी करना? शोल्डर पर. What happened? Please tell me in the comment section whether you want like this session or not, because this is important to know me. वो ये सेशन से कैसे लग रहे हैं. Next, cries and wins if anyone touches it. कोई भी टच कर रहा है तो पसंद नहीं है. हमने ये चीज एंटीम रूम में भी पढ़ी थी. Will not let you feel the pulse. बल्कि वो पल्स तक नहीं लेने देता. तो ये ऐसा किसमें है? एंटीमिक्रोड और सेनिकुला. अभी हमने पढ़ा था एंटीमिक्रोडम में भी. नेक्स्ट बात आती है फिजिकल जर्नल्स की. फिजिकल जर्नल्स में ग्रेट स्लीपनेस और इररेस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स. तो ये नक्स मॉस्चर्टा और ओपियम के साथ भी है. मतलब नींद बहुत ज्यादा है. तो आपको याद रखना नक्स मॉस्चर्टा, ओपियम और एंटीमोनियम टार्टिकम. NOA कौन कौन सी? नक्स मॉस्चर्टा, ओपियम और एंटीमोनियम टार्टिकम. इन तीनों के अंदर हमें ग्रेट स्लीपीनेस मिलती है सारी कंप्लेंट्स के साथ. डिसीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सपोजर टू द डैम बेसमेंट और सेलर्स, ठीक है. तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं रिलेटेड हो गया कि अगर एक्सपोजर हो रहा है डैम बेसमेंट में, मतलब नीचे की तरफ, तो वहां पर क्या होता है? ठंडा होता है, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या हो रही है? डिसीज बढ़ रही है, ठीक है. ऐसा सेम देता है आर्सेनिकम में भी. नेक्स्ट अगर हम फेस की बात करें तो देखो फेस में क्या आ गया? फेस कोल्ड, ब्लू, पेल, कवर्ड विद अ कोल्ड स्वेट. तो यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो कि सेलर्स कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं, ठीक है. तो फेस कैसा रहेगा? कोल्ड कोल्ड रहेगा. जब फेस कोल्ड रहेगा तो स्वेट कैसा आएगा? वो भी कोल्ड आएगा. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कंपैरिजन करके याद करवाया है. हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्रॉब्लम किसमें होगी? डैम बेसमेंट में. डैम बेसमेंट कैसा होता है? ठंडा. तो फेस कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा. और ठंडे में क्या होता है? इंसान का फेस ब्लू पड़ने लगता है, पेल सा हो जाता है. और फेस अगर कोल्ड है तो क्या हो जाएगा? कोल्ड स्वेट. आगे हम बढ़ते हैं. आगे हम रिलेट करते हैं माउथ. तो टंग इज कोटेड, जिसे हमने पढ़ा था उसमें कैसी थी एंटीमोनियम क्रूडम में? एक मिल्की व्हाइट कोटिंग थी क्या हो? और यहां पर अगर आप पढ़ोगे यहां पर कैसी है? टंग कोटेड पेस्टी थिक व्हाइट. यहाँ तक तो सेम वही वाली बात आई एंटीमोनियम क्रूडम वाली. विथ रेड एंड पैपली. पैपली कैसे हैं? वो रेड है. एंड रेड एजेस. और एजेस भी कैसी हैं? रेड. रेड इन स्ट्रीक्स, वेरी रेड. ड्राई इन द मिडिल. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर द एप्पल्स. यहाँ पर क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग है फॉर द एप्पल्स. सेम यहाँ पर एलो में भी देखा जाता है. फॉर एसिड एंड पिकल किसमें है? एंटीमोनियम क्रूडम में. मैं आपको बताया था लॉन्गिंग फॉर एसिड एंड पिकल्स. बट इसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है वो बात अलग है, एग्रवेशन है, बट पसंद है भी. नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम. यहाँ पर क्या आता है? वॉमिटिंग. क्योंकि आपने क्या पढ़ा? इमिटिक. हम इमिटिक का मतलब ही क्या होता है? वॉमिटिंग. तो इमिटिक से याद रखो कि वॉमिटिंग इन एनी पोजिशन एक्सेप्ट ऑन लाइंग ऑन अ राइट साइड. अगर राइट साइड में लेटा है तो नहीं होगी वॉमिटिंग. अदरवाइज वो किसी भी पोजिशन में लेटा हो तो उसको वॉमिटिंग होगी. अनटिल ही फेंट्स. कब तक? जब तक कि वो फेंट ना हो जाए.
but drowsiness and prostration, of cholera morbus with diarrhea and cold sweat, a dose after each attempt. देखो आपने cold sweat पढ़ा होगा, सब कुछ कोल्ड कोल्ड आपने वेरेक्टम एल्बम में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वेरेक्टम एल्बम को यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि एक शॉक की कंडीशन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कोल्ड स्वेट के साथ हम क्या सोच सकते हैं, वेरेक्टम एल्बम। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि एंटीमोनियम टाटिकम एक्ट करती है ऑन द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। सो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर क्या करते हैं, इट डिप्रेस द रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, thus producing the keynote of the remedy. इस remedy का बिल्कुल keynote क्या है? When the patient coughs, there appears to be a large collection of mucus in the bronchi. ऐसा लगता है कि उसके bronchi में जो cough है, उसका बहुत ज़्यादा mucus का बहुत ज़्यादा collection हो रखा है. It seems as if much would be expectorated, but nothing comes up. उसको लगता है कि वो जब उसको expectorate करेगा, निकालने की कोशिश करेगा, तो बहुत सारा निकलेगा, क्योंकि उसको लग रहा है इसे ब्रोंकाई में भरा हुआ है, कलेक्शन है, बट नथिंग कम्स अप, पर कुछ भी नहीं आता है. नेक्स्ट एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया इज अ मैकेनिकल एज अपेरेंट डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग फ्रॉम म्यूकस इन ब्रोंकाई फ्रॉम इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ द लंग्स फ्रॉम फॉरेन बॉडीज इन द लैरिंग्स और अ ट्राकिया विद ड्राउजीनेस एंड कोमा. पढ़ा ही था कि स्लीपीनेस बहुत ज्यादा देखी जाती है. नाउ नेक्स्ट, चाइल्ड एट अ बर्थ पेन, बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पर बर्थ पेन, ब्रीथलेसनेस, गैस्पिंग, एस्फिक्सिया नियोनेट्रम. एस्फिक्सिया नियोनेट्रम मतलब कि बच्चे को सांस नहीं आ रही है जब वो पैदा हुआ है, उसको कहते हैं एस्फिक्सिया नियोनेट्रम. रिलीव द डेथ रैटल, डेथ रैटल जैसी जो आवाजें आती है उसमें रिलीव करती है मेडिसिन. एक्ट्रेस विथ न्यूमोनिया, एक्ट्रेस विथ न्यूमोनिया स्पेशली ऑफ द राइट लंग, तो न्यूमोनिया देखा जाता है राइट लंग में. ऑब्वियसली आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो विद दी स्वे विद दी सेलर्स, क्योंकि सेलर्स में रहते हैं, हाइड्रोजनाइज पोजिशन है, तो ये कहीं ना कहीं लंग्स पे अफेक्ट करेगा. तो कौन से लंग पे अफेक्ट करता है, राइट लंग पर. और आपने एक चीज और पढ़ी थी कि जो वॉमिटिंग होती है वो सिर्फ एक साइड में लेटने से नहीं होती है, वो साइड कौन सी है, राइट साइड, उसको एम्बुलेशन होता है. तो यहाँ पर आप दो चीजें अच्छे से समझ सकते हो. Next, in spring and autumn when damp weather commences, cough of children get worse. जैसे ही damp weather आना शुरू होगा, जो cough है वो और ज़्यादा worse होने लगता है बच्चों में. आगे हम बात करेंगे about the modalities. तो modalities में obviously aggravation में आप अपने आप खुद से सोच लिख सकते हो कि damp weather में problem होगी, क्योंकि constitution ही क्या है, hydrogenic constitution है, ठीक है. Cold weather, weather कैसा, cold. Light down at night, warmth of a room. Change of a weather in a spring, as in the Kali Sarf and Netram Sarf. That is the way you will study, you will see pneumonia. Next आता है amelioration. Amelioration in a cold open air, sitting upright, expectorating and lying on the right side. Already I told you कि यार अगर ये right side पर लेटेगा तो इसको vomiting नहीं होगी, तो इसलिए amelioration on lying on the right side. Next हम बात करेंगे about the relationship. तो it is similar to the lycopodium, but spasmodic motion of LA is replaced by dilated nostrils to the veratrum. Both have diarrhea. यहाँ पर हम lycopodium से कैसे compare कर सकते हैं? उसमें आप पढ़ते हो L का motion होता है, spasmodic motion of आप lycopodium में पढ़ते हो कि LA fan like ऐसे act करते हैं, बट यहाँ पर रिस्प्लेस कर रहा है विद द डायलेटेड नोस्टल्स के साथ, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरेक्टम के साथ हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो वेरेक्टम के साथ बोथ हैव डायरिया, दोनों में डायरिया होता है, दोनों में कोलिक है, वॉमिटिंग हो रही है, कोल्डनेस है एंड क्रेविंग फॉर एसिड्स, ठीक है. तो ये इसके साथ हम वेरेक्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है विद इपिकेक बट मोर ड्राउजीनेस, इपिकेक में है बट ड्राउजीनेस ज्यादा है फॉर फ्रॉम डिफेक्टिव रेस्पिरेशन, नॉक्सिया, बट amelioration after vomiting. EpiCac में क्या है, आप उसमें पढ़ते हो उसमें vomiting बहुत ज्यादा prominent symptom है. Next आता है when lung seems to fail, patient becomes sleepy, cough declines or ceases, its supplements EpiCac.
For bad effects of vaccination, when thuja fails and silesia is not indicated. जब थूजा फेल हो गई फिर थूजा में भी आप देखते हो बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन और साइलेशिया में पड़ते हो, बट साइलेशिया इंडिकेट नहीं कर रही है और थूजा अगर फेल हो चुकी है तो वी कैन थिंक अबाउट द एंटीबॉडी. नेक्स्ट इज द बिफोर साइलेशिया एंड डिस्पनिया फॉर फॉरेन बॉडीज इन द लैरिंग्स और ट्राकिया. साइलेशिया में भी क्या करते हैं, हम फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. तो इसमें क्या है, बिफोर साइलेशिया इन डिस्निया, कि डिस्निया हो रहा है तो वी कैन थिंक अबाउट दिस एंटीबॉडी टार्टिकम आल्सो. इन सप्रेस्ड गोनोरिया, पल्स में इसको कंपेयर किया गया था सप्रेस्ड गोनोरिया इसके साथ डैम्प बेसमेंट में. चिल्ड्रन नॉट इजली इम्प्रेस्ड व्हेन एंटीम टार्ट सीम इंडिकेटेड इन द कफ रिक्वायर हेपार्सल. अगर चिल्ड्रन ज्यादा ठीक नहीं हो रहा है उससे अगर एंटीम टार्ट से तो वी कैन थिंक अबाउट हेपार्सल. Also, coldness बहुत ज्यादा देखी जाती है इसमें. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी एपिस मेलिफिका के बारे में. एपिस मेलिफिका में क्या दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ सॉरी पॉइजन ऑफ द हनी बी, एपीएम वायरस को कहा जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है अडेप्टेड टू बी स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन. स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि अफेक्शन ऑन ग्लैंड्स. Affections on glands. Glands enlarged, indurated, cirrhosis or open cancer. Women, especially widows, children and girls who, though generally careful, become awkward and let things fall while handling them. Same in the worst time देखा जाता है. worst time check कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा weakness है. इसकी वजह से उसके हाथ से सामान छूट जाता है. ग्रेट वीकनेस की वजह से, ठीक है. तो आप ऐसे भी सिंपल याद रख सकते हो यार, किसी कोई अगर किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया है तो यू कैन थिंक अबाउट कि यार वो अभी अपना काम नॉर्मली नहीं कर पाएगी, है ना. तो वही चीज तुम यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हो कि जो भी पर्सन है, जो वुमेन है स्पेशली विडोज या फिर जो लड़कियां हैं, वो वैसे तो जनरली बहुत केयरफुल है बट बिकम ऑकवर्ड और उनके हाथ से सामान वामान गिर जाता है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी मेंटल जेनर्स. अबाउट दी मेंटल जेनर्स, एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन एंड बैड न्यूज. सो यहाँ पर आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि अगर हमने ये पढ़ा कि स्पेशली विडो भी है तो आप अपने दिमाग में एक इमेज बना सकते हो कि यार अगर कोई विडो है तो उसको थोड़ी बहुत क्या होता है, ज्वेलसी भी होती है क्योंकि दूसरे के पास है उसका हस्बैंड, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, थोड़ा फ्राइट डर लगा रहता है कि इतना करीबी इंसान उसका उसकी डेथ हुई है, ठीक है. रेज, वैक्सेशन, मतलब वैक्सीनेशन में क्या होता है कलीज वगैरह, ठीक है. और बैड न्यूज, तो इससे पूरी बैड न्यूज क्या होगी, अगर उसके हस्बैंड के साथ कुछ हो जाए. सो बैड न्यूज, सो एक थ्योरी सी आप बना के चलो, स्टोरीज बना के चलो, तो आपको सिम्टम्स खुद से खुद याद लगेंगे. इरिटेबल, नर्वस, फिडिजिटी, हार्ड टू प्लीज, ठीक है. तो उसको मनाना इतना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत परेशान है बिकॉज ऑफ उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो इट्स हार्ड टू प्लीज. पीपिंग डिस्पोजिशन, पीपिंग डिस्पोजिशन सोचते दिमाग में क्या आ जाता है, पल्स डला. बस इसके साथ साथ आप एक और मेडिसिन याद रख सकते हो, मैंने बताया था एंटीम क्रूड ऑल्सो. Cannot help crying, but रोने का कोई फायदा नहीं है. Discouraged, despondent. Sudden, shrill, piercing scream from children while waking or sleeping. ठीक है, तो सोते टाइम और उठते टाइम दोनों टाइम बड़ा तेज तेज चीख चीख के रोने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम सोच सकते हैं. नेक्स्ट आता है फिजिकल जर्नल. फिजिकल जर्नल में आता है एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच. सबसे बड़ी सेंसिटिवनेस है क्योंकि यार एपिस है. अगर एक बार तुम सोचो कि अगर एपिस ने काट लिया तुम्हें तो तुम्हें टच करने में सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा फील होगी ना. तो एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच एज कंपेयर विद बेलाडोना एंड द लेकसेस. पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर. पेन कैसा हो रहा है, अब आप सबके कभी ना कभी किसी ना किसी मधुमक्खी ने काटा जरूर होगा, एपिस ने काटा जरूर होगा. तो यू वेल नोन कि यार पेन कैसा है, बर्निंग, स्टिंगिंग एंड सोर. जल रहा है, चुभ रहा है, दर्द हो रहा है. सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. जैसे ही हम ये लाइन पढ़ते हैं हमारे दिमाग में फिर से क्या आ जाती है, पल्सिटिला. थर्सलेसनेस, अगेन यहाँ पर क्या आ जाती है, पल्सिटिला. थर्सलेसनेस इन एनएसआर का एंड एसआईटीएस.
यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो थर्सलेसनेस है इन एनएसआरका एंड एसआईएस एसिटिकम एसिडम बट फेस मोर वैक्सी एंड ग्रेट थर्स। एसिटिकम एसिडम भी हम एसआईटिस के लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हैं बट वहां पर क्या देखा जाता है थर्स्ट देखी जाती है कि थर्स्ट मिलती है हमें एसिटिकम एसिडम में। नेक्स्ट अफेक्ट राइट साइड एनलार्जमेंट और ड्रॉपसी ऑफ द राइट ओवरी। अभी आपने राइट 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 पढ़ा था किसमें एंटीमोनियम टार्ट में कि हमने पढ़ा था एंटीमोनियम टार्ट में कि अगर वो पर्सन राइट साइड पे लेटेगा तो उसको वॉमिटिंग नहीं होगी। और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि उसका राइट लंग में अफेक्शन था ना न्यूमोनिया ऑफ द राइट लंग। ये बार बार ये क्यों होता है। आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस सेशन। इफ यू रियली एंजॉय टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आई विल अपलोड मोर एंड मोर सेशंस लाइक दिस। आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर जो आप पढ़ते हो एपिस मेलिफिका, तो एपिस मेलिफिका में क्या आता है इट अफेक्ट्स द राइट एनलार्जमेंट और ड्रॉपसी ऑफ द राइट ओवरी। राइट ओवरी में क्या है एनलार्जमेंट या ड्रॉपसी है और या फिर राइट टेस्टिकल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात आती है अबाउट द आईज। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्लर सा दिखेगा तो यू कैन ओपन योर बुक्स। आईज में क्या है इडिमा। तो जैसे पंजाबी लोग होते हैं आपने देखा होगा उनकी आंखों के नीचे की तरफ ऐसे बहुत मोटा मोटा सा होता है लेकिन आईज बना दी मैंने ऐसे मोटा मोटा सा होता है। तो इडिमा कैसा बैग लाइक। बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आईज। अंडर द आईज में क्या आ जाता है एडिमा में एपिस मेलिफिका। अगर हम बात करें ओवर द आईज मतलब इस तरीके से ये आंखें तो यहां पर अगर बैग लाइक स्वेलिंग है ओवर द आईज आईज के ऊपर मान लो ये मैंने आईज बनाई मेरी ड्राइंग में बहुत बुरी है तो आईज के ऊपर है अगर तो क्या आ जाता है कैलिकार। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में। कॉन्स्टिपेशन और डायरी दो चीजें देखी जाती है। कॉन्स्टिपेशन किस तरीके से का है सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड बी ब्रेक इफ मच एफर्ट वर यूज्ड। कॉन्स्टिपेशन इस तरीके का है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया तो कोई चीज जो है वो टूट जाएगी। ठीक है सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड बी ब्रेक। नाउ डायरिया के बारे में अगर हम बात करें तो डायरिया ऑफ ड्रंकार्ड्स और इन इरप्टिव डिसीज स्पेशली इफ इरप्शन बी सप्रेस्ड इनवॉलंटरी परफॉर्म एवरी मोशन एज दोस एनस वाज वाइड ओपन। उसको ऐसा लगता है कि उसका जो एनस है वाइड ओपन हो गया है। तो आप देखो ऐसे आ सकते हो कि उसको पहले क्या हुआ कॉन्स्टिपेशन हुआ उसने कॉन्स्टिपेशन में बहुत तेज एफर्ट लगाया जोर लगाया प्रेशर लगाया जिसकी वजह से अब उसको डायरिया में क्या फील होता है कि उसका जो एनस है ज्यादा ओपन हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द यूरिनरी सिस्टम के बारे में। सिस्टम में आता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन इन यूरिन अ मूवमेंट। मतलब कि जो यूरिन है वो रिटेन नहीं हो पा रही है नहीं पा रही है तो उसको क्या कहेंगे इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन। व्हेन पास्ड स्कार्ड सीवियरली मतलब जब वो पास करते हैं तो जलन होती है बहुत ज्यादा एज आई टोल्ड यू बर्निंग स्टिंगिंग सोर पेन है। तो क्या हो रहा है कि When past scarred severely, frequent painful scanty and bloody. Next about the extremities. So extremities में भी हमें आपस में hands और feet में भी edema देखने को मिलेगा। Dropsy है without thrust, but with thrust जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर आपको याद करनी है acetic acidum and apocyne. Next हम apocyne के बारे में बात करेंगे, उसमें हम एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द फीवर। सो फीवर में क्या आता है इंटरमिटेंट फीवर चिल एट 3 पीएम एंड विथ थ्रस्ट। ये थ्रस्ट है ऑलवेज ये थ्रस्ट हमेशा रहेगी इसमें एग्रवेशन वार्म रूम एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट। एंड थूजा में आप क्या देखते हो थूजा में 3 एएम 3 पीएम होता है बट यहाँ पर आप देख रहे हो एपिस मेलिफिका में क्या है 3 पीएम या 3 पीएम। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट स्किन। स्किन में क्या होता है बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्सैंथेमा इनपरफेक्टली डेवलप और सप्रेस्ड मेजर स्कार्टिना एंड अर्टिकेरिया। मोडालिटीज की अगर हम बात करें तो मोडालिटीज आफ्टर स्लीपिंग एग्रवेशन
closed, especially warmed and heated room are intolerable from getting wet, stocks, but better from washing or moisturizing the part in the cold water. Next is the amelioration. Amelioration in the open air, क्योंकि बंद रूम में प्रॉब्लम है तो ओपन एयर में आराम मिलेगा. एंड कोल्ड वाटर और कोल्ड बाथिंग, अनकवरिंग पेंट्स बाय कफिंग, वेकिंग, वॉकिंग और चेंज इन पोजीशन व्हेन सिटिंग इरेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका अपोजिट याद कर सकते हो. मैंने बताया था एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग किसमें था, एंटीमोनियम प्रूडम में. आगे हम पढ़ते हैं इसके रिलेशन. कॉम्प्लीमेंट्री जो नेट्रम यू, कौन कॉम्प्लीमेंट्री है इस साथ में, एवरेज के साथ कौन कॉम्प्लीमेंट्री है, नेट्रम यू. This agrees when used either before or after rust stalks. So rust stalks के आसपास बिल्कुल भी नहीं देना है, because apis और rust stalks इन दोनों की लड़ाई है. इन दोनों की लड़ाई है, ये लोग नहीं दे सकते दूसरे के लोग. दोनों के दोनों क्या है, enemy है, inimical. Arsenic and pearls follows apis when. As cured scaltina. Albuminaria after Cantharis, Vigilis, Heliborus failed. हम बात करेंगे about the Apocynum cannabinum के बारे में. Apocynum cannabinum में हमने एक already symptom पढ़ा हुआ है कि इसमें क्या होती है, dropsy, वो भी with thrust. Without thrust में आपके दिमाग तुरंत क्या आती है, thirstlessness किसमें है, apis में है. Now, इसके अगर हम बात करें इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंडियन हैम एंड फैमिली इज दी एपोसाइनेसी. फिजिकल जर्नल्स क्या है, फिजिकल जर्नल्स में एक्सक्रीशंस डिमिनिश्ड स्पेशली यूरिन एंड स्वेट. यूरिन एंड स्वेट कैसा है, डिमिनिश हो चुका है. ड्रॉप्सी ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन, एक्यूट इंफ्लामेटरी, ड्रॉप्सी विद थर्स्ट, एसिटिक एसिड में देखा जाता है. वाटर्स डिसएग्रीज और वॉमिटेड, मतलब प्यास भी लग रही है और वाटर डिसएग्रीज भी है. ठीक है, जैसे आपने आर्सेनिक में पढ़ा है ये वाला, वो वाला सिम्टम आ जाता है. मोस्ट सीज अनकॉम्प्लिकेटेड विद ऑर्गेनिक डिसीज आफ्टर टाइफस, टाइफॉइड, स्कारलेटिना, सिरोसिस एंड आफ्टर अब्यूज ऑफ क्विन, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है. नेक्स्ट आता है दैट इज द हेड सिम्टम. हेड में देखा जाता है तो यहाँ पर भी पानी भर गया है. जैसे कि अब देखो, आप अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखो कि इसमें क्या है, यूरिन और स्वेट तो डिमिनिश हो गया, मतलब यूरिन और स्वेट जो है वो पास नहीं होता. बट आपने देखा कि इसमें ड्रॉप्सी कंडीशन आती है. ड्रॉप्सी कंडीशन में बेसिकली होता है क्या, कि पानी भर जाता है बॉडी के अंदर. ठीक है, ऐसे आप देखोगे यहाँ पर हाइड्रोसिफिलिस, मतलब कि जो सर में पानी भर गया, विथ ओपन सूचर्स, स्टूपर, साइट ऑफ अ वन आई लॉस्ट, एक साइट का वन आई लॉस्ट है, कॉन्स्टेंट एंड वॉलेंट्री मोशन ऑफ अ वन आर्म एंड वन लेग, अपना वॉलेंट्री मोशन करता रहता है एक पैर का और एक लेग, एक हाथ का और एक लेग का. ठीक है, अगर हम बात करें लेफ्ट आर्म और लेग की, अगर लेफ्ट साइड में हाथ पैर दोनों हिला रहा है तो सब कंपेयर कर सकते हैं विद दी ब्रायोनिया. ठीक है, फॉरहेड कैसा है, प्रोजेक्टेड. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. इसमें आ जाता है एमेनोरिया इन द यंगर्स विद ब्लॉटिंग और ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज, मेट्रोरेजिया कंटिन्यूड और पैराऑक्सिमल. पैराऑक्सिमल मतलब क्या होता है कि लाइक छोटे छोटे इवेंट्स में हो रहा है. ठीक है, उसको कहते हैं पैराऑक्सिम, एक साथ में नहीं, एक पीरियड में हो रहा है. फ्लूइड और क्लॉटेड, वॉमिटिंग, पैल्पिटेशन, पल्स क्विक, फीवर वेन मूव्ड, वाइटल डिप्रेशन, पेंटिंग वेन राइजिंग हेड फ्रॉम द पिलो. नेक्स्ट बात आती है दैट इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ कफ, शॉर्ट और ड्राई, डीप एंड नॉइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है, ये कफ देखा जाता है. नेक्स्ट बात आती है अबाउट द रिलेशनशिप. तो यहाँ पर हम कर सकते हैं सिमिलर टू द एस्टिंग कस्टम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें थर्स्ट होती है इन ड्रॉप्स. तो यहाँ पर हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं. एपिस के साथ क्या आता है, नो थर्स्ट, एपिस में कोई थर्स्ट नहीं है. आर्सेनिक, चाइना, डिजिटेलिस इन अ ड्रॉप्सिकल अफेक्शन. ड्रॉप्सिकल अफेक्शन में और क्या हो सकते हैं, आर्सेनिक, चाइना एंड डिजिटेलिस. नेक्स्ट आता है ब्लाटा ओरिएंटालिस हैज क्योर्ड डेड केसेस ऑफ अ जनरल ड्रॉप्सी आफ्टर एपिस, एपोसाइनम एंड डिजिटेलिस फेल्ड. ऐसा कहा है हाइनेस ने कि जो ब्लाटा ओरिएंटालिस है वो क्योर कर सकते हैं ड्रॉप्सी को, अगर एपिस, एपोसाइनम और डिजिटेलिस ये तीनों मेडिसिन अगर फेल हो जाती है. दिस इज ऑल अबाउट सेशन. आई होप यू ऑल विल एंजॉय. मैंने आज एक ही सेशन के अंदर
चार रेमेडीज कवर करने की पूरी कोशिश की है। हमने एंटिम क्रूड, एंटिम टार्ट, एपिस मेलिफिका और एपोसाइन, इन सबका एक क्विक रिवीजन करा है, समझने की कोशिश की है क्या है क्या नहीं है। सो आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस, क्योंकि मैंने इस तरीके से पहली बार यहाँ पर ऐसे प्रेजेंटेशन किया है, मेरे हिसाब से काफी बेहतर रहा होगा आप सबके लिए। आप सबको अच्छे से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, एक क्विक रिवीजन होगा चीजों का, और ऐसे आप और भी चीजों का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे इन चेक सेक्शन बताना ही पड़ेगा कि आपको सेशन कैसा लगा, बिकॉज अगर आप लोग नहीं बताओगे हाउ विल आई नो कि यार ठीक है यू ऑल वांट दिस टाइप ऑफ सेशन। आई कैन टेक 4-5 रेमेडीज इन अ वन सेशन एंड वी विल डिस्कस इट वेरी रैपिडली वेरी फास्टली, तो एक क्विक रिविजन हो जाए, ज्यादा कुछ हो या ना हो, क्विक रिविजन बहुत मायने रखता है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बार बार रिवाइज करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें याद नहीं रहेंगी, तो रिविजन इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन।